हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फूडी चैनल। मैं हूँ रुपेश, कैमरा के पीछे आयुषी और साथ में हमारा प्यारा लिटिल मास्टर मन। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं नवसारी शहर के लुंसी के एरिया में और आज हम लोग आए हैं G3 रॉयल ऑमलेट में। यहाँ पे आपको अंडे के बहुत सारी नई नई वेराइटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अंगूर रबड़ी, गरीब रथ और रॉयल लजीज, अंडा फ्राई, हाफ फ्राई से लेके सब कुछ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आइटम आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, चैनल के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलो चलते हैं और यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो प्ले। तो गाइस, मेरे साथ है G3 रॉयल ऑमलेट के ऑनर, इनसे मिलते हैं। इनका नाम जानते हैं सर, आपका नाम बताइए। आमिर खान। तो आमिर भाई, आपके शॉप के बारे में कुछ बताइए, आपके यहाँ पे कौन कौन सा वैरायटी मिलता है? अभी जो कस्टमर लोग को खिलाया है, सिंगापुरी फ्राई, फिर अंगूर रबड़ी है, टमाटा फ्राई है, ऑमलेट है, भुर्जी है, सब वगैरह मिलता है हमारे। तो सर बताइए, आपके यहाँ का सबसे स्पेशल आइटम कौन सा, ऐसा आइटम है जो ट्राई कर सकते हैं? आपको ट्राई कराने वाले हैं रॉयल लजीज। अच्छा, तो गाइस चलो आज रॉयल लजीज का ही फूड एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? चलो फिर अंदर चलते हैं और यहाँ का मेकिंग भी देख लेते हैं। आ जाओ। तो गाइस देख लो, ये है हमारा ऑर्डर रॉयल लजीज, जो काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है और काफ़ी प्यारा दिख रहा है। जितना सुंदर दिख रहा है ना, वो भी चेक करते हैं इसको। तो इसका मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, इसका प्राइस है 220 रुपीज़, 220 रुपया है। और इसके साथ ये 7 पाव है और साथ में कचुम्बर है, ठीक है? तो गाइस देख लो, काफ़ी दिख तो काफ़ी प्यारा है, प्यारा रहा ये। इसको बनाने के लिए इन्होंने लगभग 5 अंडा यूज़ किया है और एक बीच में इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ साइड पर, इन्होंने ये एक अंडे का आमलेट का स्लाइस भी रखा है और ऊपर से ये तड़का भी लगाया है और चीज़ भी डाला है इसके अंदर। देखिए, ये इसके अंदर चीज़ भी दिख रहा है, तो काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं। मैं काम करता हूँ, एक पाव ले लेता हूँ। और दूसरा गाइस, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पाव और चाहिए तो 10 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, उसमें 4 पाव आपको और भी मिलेगा। तो देखो, इसका लेते हैं अपन लोग एक बाइट पास से, देखिए ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही औसम है ये।
ये जितना डिलीशियस दिख रहा है ना, इसका स्वाद भी उतना ही बहुत बढ़िया है। और जैसा ये आप बाइट ले रहे हो और इसमें जो चीज़ और बटर का है ना फ्लेवर, वो आपके माउथ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। तो है तो ये बहुत बढ़िया। और ये रहा कचुंबर यहाँ का, बहुत बढ़िया। इसमें जो इन्होंने मसाला यूज़ किया है ना, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक, वो एकदम बहुत ही बढ़िया नाम से डाला है। और जो चीज़ें और बटर है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। और इसमें जो सबसे इसकी ख़ास बात है ना, जो इसको सबसे स्पेशल बना रहा है, वो है इसका तड़का। आप देख सकते हैं ये इनमें मिर्ची का तड़का लगाया था, वो इसके स्वाद को है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अंडे का स्लाइस भी रखा है, देखिए इसको एक ऐसे ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें जो अंडा का जो इन्होंने आमलेट बनाया था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे आके एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ का लोकेशन काफ़ी इजी है, ये जो एरिया है लुसी कोई है, आप मेरे सामने के साइड पे है सर्कल है, और इसके जस्ट सामने ही ये आपको यहाँ पे शॉप मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी है वैरायटी, तो आप लोग एक बार आके ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत बढ़िया लगा, मेरे बच्चे लोग को भी कुछ लगता है, उन लोगों को यहाँ का स्वाद कैसा लगा। ठीक है, गाइस हमारा सारा ऑर्डर ख़त्म हो गया। हमने जो मंगाया था वो काफ़ी टेस्टी था, डिलीशियस था। तो आप लोग भी यहाँ पे आके एक बार ट्राई कर सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया था। उसमें जो सबसे स्पेशल बना रहा था ना, वो उसका स्टार्टिंग का तड़का था, सुबह लास्ट का जो तड़का था ना, वो बहुत ही इन्होंने बेहतरीन बनाया था। मन को पूछते हैं, मन बताओ कैसा लगा आपको? इसकी रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी, अरे यम्मी भी बहुत था। आशी बता। ये रॉयल लजीज बहुत ही अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था और स्वादिष्ट भी था। तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहाँ क्लोज करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, फिर मिलेंगे नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।